First of all, as you all know, it is 50% luck and 50% hard work. So I believe I have been extremely lucky. So aap please, jo bhi sune, ye mat sochna ki if you do this, you will get through, because there is a big aspect of luck in it. And number two is, please have a little faith in what I am saying. Kuch cheeze aapko kafi unbelievable lagengi, but I can promise you that I am being very honest. Okay, maybe I have been lucky, but try to believe what I am saying. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 months एक्सक्लूसिवली ऑन प्रिलिम्स. ठीक है, दिस इज़ वन मिस्टेक दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेक, कि वो सिर्फ प्रिलिम्स की तैयारी करते रहते हैं अगस्त तक, एंड देन दे थिंक कि जब रिजल्ट आएगा देन वील प्रिपेयर फॉर मेन्स. डू नॉट डू दैट. ठीक है, इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, आई कैन अश्योर यू विल गेट थ्रू प्रिलिम्स. And so this is what I want to say, ki aap prelims ki zyada tension mat le. If you are sincere, you will get through, because it is a qualifying exam. Keep this in your mind, you know, you will get nothing by getting 200 out of 200 in prelims. Theek hai, now that CSAT is made qualifying, uske liye zyada kuch baat karne ki zarurat hi nahi hai. It's just maths plus minus English thoda sa, it's 10th level ka cheez hai. So do not worry about it, do not go for special ye wo 10 minutes 30 minutes wali classes. Very simple, and anybody with a little bit of aptitude can get through paper 2 of prelims. Paper 1, which is GS, uske bare mein, in short, what I can tell you is that aap jo bhi padh rahe ho, whatever you are reading, notes ho, books ho, spectrum ho, current affair ho, anything that you are reading should be supplemented with doing test papers. That is the most important advice that anybody can give you about prelims. आप कितना भी पढ़ लें, यू कैन लर्न होल ऑफ स्पेक्ट्रम, यू कैन लर्न ऑल ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा करंट अफेयर. इट विल नॉट बी मोर हेल्पफुल देन सॉल्विंग अबाउट 20 टेस्ट पेपर्स. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सिलेबस ऑफ प्रिलिम्स, अनलाइक मेंस. प्रिलिम्स विल कैच एवरीथिंग विच इज अंडर द सन. नंबर टू दैट आई कैन टेल यू, सोर्सेज तो सबको पता होते हैं प्रिलिम्स के. वॉट इज एसेंशियल इज कि आप एक बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट दे दें, ताकि यू नो कि आप कितनी नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज आई अटेम्प्टेड सम 80 क्वेश्चंस, एंड व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग आई थिंक आई फेल्ट कि मेरे सारे सही हैं. आई फाउंड द पेपर वेरी इजी लास्ट ईयर का जो हमारा आया था, एंड व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज कि मेरे 20-25 तो गलत थे. सो दिस शुड नॉट हैपन विथ यू. सो ट्राई टू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि मैंने कोई भी कंट्रोल्ड सेटिंग में टेस्ट नहीं दिया था. आई डिड इट ऑल इन माई रूम, कि कर रहे हैं, फिर आंसर देख रहे हैं, फिर उसको बुक की तरह पढ़ ले रहे हैं पेपर को, यू नो दैट वे. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम मी. यू शुड गिव 1 or 2 टेस्ट इन कंट्रोल सेटिंग, या तो आप अच्छे से अपने को असेस कर लें उसी तरह घर पे बैठ के भी. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग प्रिलिम्स. प्रिलिम्स इज़ क्वालिफाइंग. ठीक है, सो डोंट गेट टू स्ट्रेस्ड अबाउट इट. आपके चाहे 100 आ रहे हो, चाहे 200 आ रहे हो, इट डजेंट रियली मैटर, राइट? योर एम इज़ टू गेट थ्रू द मेन्स एग्जामिनेशन. दैट इज़ वॉट will get you in the final list, that is what will make you a topper. So I will talk more about that. Theek hai, prelims is cool. Okay.